हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 31 और हमारी डेट रहेगी वो रहेगी 27 जनवरी 2021। तो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है बच्चे। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले जिसने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर देना, ठीक है। तो लेसन है दिस इज अ जोडीज फोन, ठीक है। तो उसको हम आज देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन जो है कि इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जोडी, के आपके जो ये दे रखे हैं इसमें से जोडी को कौन से जो है वर्ड्स जो है डिस्क्राइब करते हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगर आप किसी वर्ड को श्योर नहीं है तो आप डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं। काइंड हार्टी मतलब बहुत ही काइंड हार्ट, मतलब बहुत ही अच्छा, दयालु। स्केयरी मतलब भयानक। केयरलेस माने बिल्कुल भी किसी केयर ना करता हो, केयरलेस हो, हर्टलेस हो, जिसमें दिल ही नहीं होता। सेंसिटिव मतलब बहुत ही किसी को देख के सेंसिटिव होना, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा होना। रिस्पॉन्सिबल किसी भी किसी की भी यू नो जिम्मेदारी ले सके, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो आई थिंक दैट जोडी वॉज काइंड हार्टेड और सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल। दो इसमें आएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंसिटिव, कि वो सेंसिटिव था मतलब दूसरों की परेशानी समझता था, और क्या रिस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल। ये स्पेलिंग बेटा यहाँ से ऊपर से उतार के अच्छे से लिख लेना, ठीक है। हमारा बी क्वेश्चन क्या रहेगा, पढ़ते हैं कि हु सेट द फ्लोइंग लाइन्स इन द लेसन दिस इज अ जोडीज फोन, के जो जोडी की जोडीज फोन जो चैप्टर है इसमें ये जो लाइन लिखी है ये वाली ये किसने कहा था, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, के तुम क्या हो अपनी एज के जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो। ये किसने कहा था, पैनी ने, किसने कहा था, पैनी। और पैनी कौन थे, पैनी जो थे वो जोडी के फादर थे, ये पैनी ने कहा था। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, ये किसने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी क्या है ऐसे अपने आप फ्री नहीं आता, फ्री नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, वो किसने कहा था, डॉक विल्सन ने। किसने कहा था, डॉक विल्सन ने, WILSON, डॉक विल्सन। ये थर्ड किसने कहा था कि बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, कि मैं तुमको क्या है अकेले छोड़ने बहुत ही डर रहा हूँ बॉय, तो ये किसने कहा था, ये कहा था मिल विल ने। किसने कहा था, मिल विल ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। चलो आप आगे चलते, अब हमें क्या है बेटा मिल विल की स्पेलिंग एक बार यहाँ से देख लेना, अगर आपको समझ में ना आई हो तो मिल विल, ठीक है, मिल विल, ठीक है, ये मिल विल ने कहा था। अब चलते हैं हम सी पे। सी क्या है हमारा, लेट्स अस रिकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें जो लेसन है उसको पूरा रिवाइज करना है, ब्रैकेट्स में दे रख के हमें वर्ड्स उसको देख के। फर्स्ट क्या है, जोडीज फादर वॉज बीटन बाय रैटल, किसके किसने कहा था, रैटल स्नेक, यहाँ पे क्या आएगा, स्नेक, ठीक है। क्यों सो किससे कहा था, रैटल स्नेक ने। सो ही किल्ड अ डैश टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द डैश, तो उसने क्या किया, डो को क्या है मार दिया था अपने पॉइजन को निकालने के लिए, ठीक है। पहले में आएगा स्नेक, फिर डो, फिर पॉइजन। सेकेंड है कि पैनी कुड नॉट से डैश टू जोडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम एज इट वुड बी डैश टू लीव इट टू स्टाफ, क्या कि पैनी जो था जोडी को मना नहीं कर पाया फोन को लाने में, क्योंकि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होता। तो यहाँ पहले में क्या आएगा हमारा, नो, ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा, अनग्रेटफुल। स्पेलिंग आप यहाँ से मैं लिख भी रही हूँ लेकिन एक बार आप क्या है अच्छे से ब्रैकेट में से अच्छे से क्या है क्वेश्चन की स्पेलिंग लिख लें, क्या आएगा, नो और अनग्रेटफुल। थर्ड क्या है, जोडीज मदर डैश विद सरप्राइज, जो जोडी की मदर थी वो बहुत ही सरप्राइज हो गई, बहुत चक्की रह गई, क्या आएगा, गैस्प्ड, क्या आएगा, गैस्प्ड, मतलब बहुत ही भौचक्का रहना, मतलब अचानक से चौंक जाना। बिकॉज शी वॉज डैश अबाउट एक्सपेंसिव टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि वो क्या है उसको क्या है जो मतलब किसी को भी टेक केयर करने के लिए उसको वरी हुई, मतलब लगता है ना कोई अगर एक एनिमल ही हो या कोई इंसान हो कि अगर वो हमारे साथ रहेगा तो उसकी वरी हो जाती, कैसे मतलब उसकी टेक केयर हो गई, तो क्या आएगा इसमें दूसरे में, वरीड, ठीक है, क्या आएगा, वरीड, हम यहाँ पे वरीड लिख लेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट फोर्थ,
कि जोडी वेंट विद डैश टू ब्रिंग द फोन होम, कि जो जोडी था वो किसके साथ गया था, वो गया था मिलविल के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, जोडी वेंट विद मिलविल टू ब्रिंग द फोन होम। नेक्स्ट है, फिफ्थ है कि जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज टू रीजन, कि जोडी जो था मिलविल को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता, इसके दो कारण थे। पहला, इफ द फोन वाज डेड, पहले क्या आएगा, अगर फोन डेड होता और कुड नॉट बी फाउंड, कि अगर वो डेड होता, अगर वो या वो नहीं मिल पाता, तो ही कुड नॉट हैव दिस डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उदासीपन था, वो दिखाना नहीं चाहता था। दूसरे में क्या आएगा, डिसअपॉइंटमेंट। स्पेलिंग मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, एक बार अच्छे से, मैंने वैसे लिख ही रही हूँ लेकिन आप भी अच्छे से देख के लिखना। पहले में क्या आएगा, डैट, फिर डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब है सेकंड, कि इफ़ द डैश वाज देयर, कि अगर फ़ोन वहीं पे होता, पहले में क्या आएगा, फ़ोन, ठीक है, FAWON, इफ़ द फोन वाज देयर द मीटिंग कुड बी सो लवली, कि जो मीटिंग होती वो बहुत ही लवली होती, ठीक है, लवली आएगा, एंड सो सीक्रेट, फिर बाद में क्या आएगा, सीक्रेट मतलब जो मीटिंग अगर वो वहाँ पे होता फ़ोन, तो वो जो मीटिंग होती ये बहुत ही सीक्रेट होती, लवली होती, एंड दैट ही कुड नॉट शेयर इट, और वो किसी के साथ क्या है, शेयर नहीं कर सकता। तो पहले में क्या आएगा, हमारा फ़ोन, फिर आएगा हमारा लवली, फिर आएगा सीक्रेट, ठीक है। अब है सिक्स्थ, कि मिलविल वाज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वाज स्केयर्ड इफ जोडी गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय स्नेक, कि जो मिलविल था वो जोडी को अकेला छोड़ने में इसलिए डरा था कि कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए, मतलब खोना जाए, या कहीं वो जो सांप होता है उसके द्वारा काट ना लिया जाए। तो पहले में क्या आएगा, लॉस्ट, फिर क्या आएगा, बीटन, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन, कि जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वॉज लार्ज ट्रीज, या ही हैड सीन द फोन, कि जो जोडी था वो क्या था उस प्लेस में आज, जहाँ पे उसने क्या है हिरन के बच्चे को देखा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, ठीक है, ये भी आप क्या अच्छे से देख के लिखना है बेटा, ठीक है। एट्थ है, जोडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, जो जोडी था वो क्या फाउंड को, यू नो फाउंड करके मैं ढूंढ के बहुत ही क्या है, खुश हुआ, इमोशन हो गया। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टच मेड हिम, जब उसने उसके पास क्या है अपनी नेक रखे थे, वो बहुत ही डिलीरिशियस मतलब बहुत ही खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। पहले में क्या आएगा, डिलीरिशियस, स्पेलिंग देख के लिखना बेटा है। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज हिज फाउन नाउ, जब उसको ये रियलाइज हुआ कि वो उसका फाउन है, ही वाज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, तो वो बहुत ही क्या अपने लाइट हेडेड मतलब बहुत ही वो खुश हो गया। दूसरे में क्या आएगा, जॉय, ठीक है। अब चलते हैं नाइन्थ पे, फाइनली ही ब्रॉट द फोन इन टू द हाउस, वो फाइनली क्या है, फोन को वो क्या है, घर ले गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टेंथ क्या है, ही टुक इट टू द बेडरूम, आपने सुना था कि वो क्या उसको बेडरूम में ले गया था, पहले में क्या आएगा, बेडरूम, कि ही टुक इट टू द बेडरूम एंड फीड इट विद मिल्क बाय डैश हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्टिंग दैम इन टू द फोन्स माउथ, फिर क्या है, उसने अपने हाथों से क्या है उसको दूध पिलाया था, फिर क्या आएगा, फिर आपका डीपिंग, फिर आपका आएगा यहाँ पे एंड फीड इट विद डीपिंग हिज फिंगर, डीपिंग मतलब उसमें डुबो के अपनी फिंगर को दूध में, ही लुकड आफ्टर इट लाइक अ मदर, वो क्या है उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसकी मदर हो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा, बेडरूम, फिर डीपिंग एंड फिर मदर, ठीक है। तो बच्चों हमने सारी जो स्टोरी है उसको रिवाइज कर ली और अपनी वर्कशीट भी क्या है कंप्लीट कर ली। मुझको उम्मीद है कि आपको जो है आज की वर्कशीट इंग्लिश की एट्थ क्लास की बेटा समझ में आई होगी। तो बेटा हमारा जो है लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बच्चों आपकी जो साइंस की वर्कशीट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ उसको भी जाके देख लेना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बेटा बच के रहिए, बाय बच्चों।